एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं जा रही हूँ CC2, यानी कि पिज़्ज़ा हट जाना है मुझे मेन, तो वो CC2 में है। तो वहाँ पे ना पिज़्ज़ा हट में नया मोमो निकला है, मतलब फर्स्ट मोमो निकला है। तो चलिए चलते हैं और उसे ट्राई करते हैं कि आखिर पिज़्ज़ा हट का न्यू मोमो कैसा होगा। तो मैं जाके ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी एक्सपीरियंस कि आखिर वो कैसा है, उसका कॉस्ट क्या है क्या नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज जैसे कि आपको पता है दुर्गा पूजा दिवाली आने वाला है, तो इसलिए रास्ता अब जाम ही मिलेगा मैं कहीं भी जाऊँ। तो मॉल में भी जाम ही था, आप देख रहे हो मॉल में कितना भीड़ लगा हुआ है, जाम बोल दिया मैंने, कितना भीड़ लगा हुआ है। तो उसके बाद इतनी गर्मी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आइसक्रीम खाया जाए। तो इस बार मैंने मैंगो आइसक्रीम ट्राई किया है, ग्रीन वाली तो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं किया। देखो मैंगो वाली आइसक्रीम खा रही हूँ क्योंकि मैंगो में खा के ना एकदम रियल वाली फीलिंग आती कि यार सच्ची मैं मैंगो खा रही हूँ। तो देखो आइसक्रीम तो ले लिया है और अब मैं आ गई हूँ। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ पिज़्ज़ा हट और देखो सामने ही मोमो लगा हुआ है, मतलब न्यू एक्सक्लूसिव मोमो सामने लगा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है, आप देख लो, कॉस्ट ही लिखा हुआ है कि आपको 300 में एक थम्सअप मिलेगा और साथ में मोमो भी मिलेगा। तो थम्सअप मुझे मिल चुका है देखो, तो साथ में मोमो मिला है, मतलब 300 में इतना लार्ज, वो भी 4 मोमो मिल रहा है, इट्स अमेजिंग गाइज। और थम्सअप भी है साथ में। तो देखो मैं इसका स्टफिंग्स आपको दिखाती हूँ कि इसमें कुछ वेजीज जो हैं वो भरे हुए हैं। मैंने तो वेज लिया था, तो आपको नॉन वेज लेना तो आप नॉन वेज भी ले सकते हो। तो देखो साइड में 4 मोमो लगे हुए हैं और पिज़्ज़ा से रैप किया हुआ है। तो चलो अब खा के देखते कैसा होगा। चीज़ तो चीज़ हर जगह लहर रहा है, देखो एकदम मज़ा आएगा अब खा के। तो अब एक बाइट मैंने लिया और फिर मैंने टेस्ट किया कैसा है कैसा है कैसा है। गाइज इट्स अमेजिंग गाइज, मज़ा आ गया खा के। वहाँ पे मैं नहीं बोल पा रही थी, कॉपीराइट लग जाता, गाना चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ऊपर से बोल दिया जाए। तो गाइज सच बता रही हूँ, अच्छी रिव्यू दे रही हूँ कि पिज़्ज़ा हट का नया जो मोमो पिज़्ज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे ये। क्योंकि पिज़्ज़ा हट से अच्छा मुझे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे मोमो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पिज़्ज़ा हट का जो पिज़्ज़ा होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन डोमिनोज़ का सॉफ्ट रहता है पिज़्ज़ा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे नया मोमो। तो मैं आ गई हूँ दीदी के घर पर देखो, और फिर यहाँ पर दीदी ने बनाया है अच्छा खासा कोल्ड कॉफ़ी। तो इतने सारे वैरायटी के देखो डिशेस है दीदी ने लेकर आया है। तो देखो यार पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब कुछ है, मतलब इतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ एक साथ, सारे स्नैक्स, ओह माय गॉड। आज मैं अपने घर नहीं गई हूँ और मैं अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ पर रुक गई हूँ। और ये देखो मैंने अपने भाभी का नाइट ड्रेस पहन लिया है, देख रहे हो गजब लग रही हूँ ना। मैं जानती हूँ मेरा ढीला आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे तो काफ़ी क्लासी लग रहा है, देखो कैसी लग रही हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप बताना कि आप भी मोमो ट्राई करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गजब मोमो था पिज़्ज़ा हट का। तो अचानक से प्लान हुआ और मुझे आना पड़ा अपनी दीदी के घर पे, क्योंकि आज डिनर था। तो अब फाइनली मैं अपनी बड़ी मम्मी के घर पे आ गई हूँ, क्योंकि रात को घर कैसे जाती। तो मैं और मेरी बहन आ गए हैं, तो हम लोग कल सुबह घर चले जाएंगे। तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। लव यू ऑल, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। तो गाइज मेरी भांजी मेरे पे कचरा का बरसात कर रही है, तो आप लोग देखना अभी मेरे पास कचरा आएगा, कचरा ही कचरा का बरसात कर रही है। मारना थोड़ी ही था, मार रही है ये तो। यहाँ पे बहुत सारा थर्माकोल पड़ा है, तो वो उसी से मेरे को मारने की कोशिश कर रही है। गाइज ये बहुत बड़ा थर्माकोल है।